हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, और जो हम लोग की ये जो मेमोरीज थी ये 2 मंथ की गेम अपार्ट फ्रॉम गेम मतलब हटके थी, और ऐसी एक्सपेक्टेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी के फेवरेट मिस्टर फैजुका है जना जुबे एंड शिवांगी जोशी पर रिएक्शन। सो गाइस, एक्चुअली मिस्टर फैजुका एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया जिस इंटरव्यू में फैजू बात करते हुए दिखाई दिए जना जुबे एंड शिवांगी जोशी के बारे में कि उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, इन तीनों की बॉन्डिंग कैसी थी खतरों के खिलाड़ी में। और गाइस, इसी के साथ फैजू बात करते हुए दिखाई दिए एक नए सॉन्ग के बारे में जन्नत एंड शिवांगी के साथ। सो गाइस, एक्चुअली आपको पता ही, अगर नहीं पता तो हम आपको बताते कि रामजी गुलाटी जो कि फैनत का फर्स्ट सॉन्ग लाए थे, उन्होंने एक बिग अनाउंसमेंट की थी कि बहुत जल्दी फैजू जन्नत एंड शिवांगी तीनों को एक ही सॉन्ग में लाके एक फ्रेंडशिप भरा सॉन्ग बनाने वाले हैं, क्योंकि AK12 में इन तीनों की बॉन्डिंग को फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। जन्नत और फैजू का कोई सॉन्ग आ सकता है, शिवांगी जोशी है इनका कोई सॉन्ग आ सकता है, क्योंकि इन तीनों की जो केमिस्ट्री है शो में बहुत पसंद किया गया, मतलब दे लुक अलाइक है, फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से, खाली स्क्रीन पे नहीं लोग उनको रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम यू नो। एंड इन द शो आई थिंक जन्नत एंड शिवांगी आल्सो हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग बॉन्डिंग, सो तो कोई सॉन्ग बनाने का इरादा है? बनाना चाहिए, क्यों नहीं यार, वी शुड, and I will do reach out to them to make song. So guys, finally इस song पे फैजू का reaction भी आ चुका है, आप भी देखिए क्या सच्ची में ये song आने वाला है, इन तीनों को एक साथ में देखने को हमें मिलेगा। रामजी सर बोल रहे थे कि आपका शिवांगी का और जन्नत का एक साथ सॉन्ग करने का इरादा है, तो आपके पास टाइम है कि नहीं, मतलब आप तो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है टाइम की, मेरे पास पूरा टाइम है, और हो सकता है कि जो मैंने पूछा कि आपकी केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी तरह से दिखाई दी, बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, और जो हम लोग की ये जो मेमोरीज थी 2 मंथ की गेम अपार्ट फ्रॉम गेम मतलब हटके थी, और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब आगे चल के और ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे, और मेरे ग्रुप वालों के साथ भी कुछ ना कुछ मैं इंशाल्लाह शो करूंगा। आखिर में फैंस से कुछ कह दीजिए, फैंस से यही कहूंगा गाइस, आप लोग ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया है, आपके प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह और भी आगे जाना है, बस ऐसे आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहोगे। बेस्ट ऑफ लक।